बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहूर, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैनवर्ब। मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए मैनवर्ब मैंने जो लिखी है आपको 20 लिखी है, और अगर आपको मैनवर्ब चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो मैनवर्ब की आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता हो उसको भी मुझे कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। देखिए सी मतलब होता है देखना, मैं इसका मीनिंग नहीं लिख रही हूँ डायरेक्ट, मैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखूंगी, क्लियर। तो मैं बोलती जाऊँगी कि किसका मतलब क्या होता है। सी मतलब होता है भाई देखना, सी की सेकेंड फॉर्म होती है, सी की सेकेंड फॉर्म होती है भैया सा, और थर्ड फॉर्म क्या होती है सी, क्लियर। सी की सेकंड फॉर्म होती है सांत, थर्ड फॉर्म होती है सीन। गो की सेकंड फॉर्म होती है क्या बैंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म होती है कम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम, होती है क्या कैम होती है। सेकंड फॉर्म जो होती है कैम होती है, थर्ड फॉर्म होती है कम, क्लियर। अब राइट मतलब क्या होता है लिखना, देखिए गो मतलब जाना होता है, गो की सेकंड फॉर्म बैंट और थर्ड फॉर्म गॉन। कम मतलब होता है भाई आना, कम की सेकंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म कम। राइट मतलब होता है लिखना, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी रिटर्न, क्या होती है रिटर्न। और रीड मतलब क्या होता है पढ़ना, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, बस इसे पढ़ा रह जाता है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट मतलब क्या होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब हम देखेंगे बाय, बाय मतलब क्या होता है खरीदना, बाय मतलब होता है खरीदना, और बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। सेल मतलब होता है बेचना, और सेल की सेकेंड फॉर्म होती है भाई सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड, क्या होती है सेल की सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। अब हम देखेंगे वॉश, वॉश मतलब होता है कोई भी चीज़ कपड़े को धुलना या किसी भी चीज़ को हैंड वॉश करना, ठीक है। सो वॉश होती है, वॉश का सेकेंड फॉर्म होता है आपका वॉश्ड, ईडी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाता है, क्लियर। हाँ वॉथ मतलब होता है नहाना, वॉथ की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, इसको वाथ भी बोलते हैं, क्लियर। तो सेकेंड फॉर्म होती है बाथड, मतलब बाथड, और थर्ड फॉर्म भी होती है बाथड। ब्रिंग मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, किसी भी चीज़ को लाना, और यहाँ पर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ब्रॉट। देखिए ये वाला वॉट नहीं, इसमें आर भी आता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि मैम सेम है ऐसे कैसे कंफ्यूजन। ये देखिए ना भाई आर, एक वर्ड से तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम बोलेंगे क्या चिंता, तो मतलब कोई की चिंता कर रहे हैं, और अगर उसमें बिंदी हटा दी जाए तो चिता हो गई, तो है कि नहीं एक शब्द का अंतर। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है क्या ब्रॉट। वॉच मतलब होता है देखना, इस देखने में, चलिए ये बात भी क्लियर करते हैं, इस देखने में और इस देखने में क्या अंतर है। तो इस देखने का मतलब हम कोई चीज़ फोकस से दिखवा रहे हैं, और इसका मतलब जनरली जो चीज़ें हमें दिख रही है, जैसे आपको यहाँ पर पेज दिख रहा है लेकिन आपको देखना क्या है शब्दों को, लेकिन जो चीज़ें अब जैसे मेरा ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, पेन का ये दिख रहा होगा, नाखून दिख रहे होंगे, हाथ दिख रहे होंगे, उंगली दिख रही होगी, बट आप देख क्या रहे हैं, आपको जो देखना है पढ़ाई की चीज़ें, सो वो वॉच है आपके लिए। और अगर जनरली आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो सी होता है, क्लियर। वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है भाई वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉच्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है वॉच्ड। अब टीच मतलब क्या होता है पढ़ाना, रीड मतलब होता है पढ़ना, टीच मतलब होता है पढ़ाना, क्या होता है देखिए मैं लिख ही देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना, गो मतलब होता है जाना, आना, कम मतलब राइट, मतलब क्या हो जाता है भाई लिखना आपका, रीड मतलब पढ़ना, ईट मतलब होता है खाना, वाई मतलब होता है खरीदना, सेल मतलब बेचना, वॉश मतलब धुलना। तो अगली क्या है आपकी टीच, टीच मतलब क्या होता है जब हम बात मतलब क्या होता है नहाना आपका, अपन बोलते हैं ना टेक अ बाथ, आप मतलब नहा लीजिए। इसके बाद ब्रिंग मतलब क्या होता है मैंने बताया था, बताइए लाना। वॉच मतलब होता है देखना, अब ये फोकस वाला देखना है, ठीक है। अब टीच मतलब क्या होता है, टीच मतलब होता है आपका
पढ़ाना, देखिए पढ़ाना और पढ़ने में क्या अंतर है, जो टीचर होता है वो टीच करता है और जो स्टूडेंट होता है वो रीड करता है, समझ गया। मतलब जो पढ़ता है वो रीड है और जो पढ़ाता है वो टीच है। अब ये क्या है, इसका जो सेकेंड फॉर्म रहेगी वो क्या हो जाती है आपकी, टॉट। क्या हो जाती है, टॉट, TOTOUGHT। और इसकी थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टॉट ही होती है। अब स्लीप का देखते हैं, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप मतलब होता है सोना। सोना की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म इसकी भी स्लैप्ड ही होती है। और इसकी स्लीप्ड भी लिख सकते हैं ईडी लगा के, ठीक है, वो भी गलत नहीं होती है। क्या लिख सकते हैं, स्लीप्ड। कट मतलब होता है क्या, काटना, मतलब कोई भी चीज कट करना, काटना। तो आप देखिए इसकी सेकंड फॉर्म भी कट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे पुट, पुट मतलब होता है क्या, रखना। क्या होता है बच्चों, रखना। और रखने को अब कैसे बोलेंगे अपन, पुट पुट और ये पुट, क्लियर। वॉक मतलब होता है चलना, क्या होता है वॉक मतलब चलना। मैं इसकी थर्ड सेकंड फॉर्म लिखने वाली थी, पता है क्या, वॉक मतलब क्या होता है बच्चों, चलना। अब चलने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक्ड, चौथी है वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉक्ड, सिंपल। अब क्राई मतलब क्या होता है, रोना। क्राई मतलब क्या होता है, रोना। क्राई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्राई की सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, क्राइड। ये वाई जो होता है वो हट के आई लग जाता है, ठीक है। प्ले मतलब होता है खेलना, क्या होता है, प्ले मतलब खेलना। बहुत से जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कि प्ले मतलब क्या होता है ना। प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड, क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। जंप मतलब होता है क्या, कूदना। जंप मतलब क्या होता है, कूदना, और कूदना की सेकंड फॉर्म होती है जंप्ड, क्या होती है, जंप्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है जंप्ड, ये PED है, क्लियर। सो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मेन वर्ब जो मैंने 20 लिखवा दी आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों लिखवाई हैं। आप लोग एक मिनट रुकिए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं आप हमें सपोर्ट नहीं करते, तो बता दीजिए कि आप हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं।